कि अब यहाँ से चाहता हूँ कि आपको नाते पाक से जुड़ूं बिल्कुल, क्योंकि माहौल बिल्कुल शांत हो चुका है इस तरह, क्योंकि वक्त भी काफी हो चला है और आप भी माशाल्लाह काफी थक चुके हैं, लेकिन माहौल के बिल्कुल गरमाने के लिए एक शायर इस्लाम का सहारा लेना पड़ रहा है इस वक्त। वो शायर तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ जो सरजमीन फारबिसगंज से ताल्लुक रखते हैं। माशाल्लाह आज के घड़ी आज के अभी हालात में इसके कलाम यूट्यूब चैनल यानी सोशल मीडिया पर इस तरह गर्दिशें कर रहा है कि मेरे दोस्तों की जिसकी का वो हाजिरी प्रोग्राम के लिए जमानत या बुलंदी हुआ करती है। मेरे दोस्तों आइए उस शायर से मुलाकात करवाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल ये आपके विजन की दूसरी हाजिरी है। मैं बिना किसी तमहीद के अपने बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती नसीम साहब राही से इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप माइक पे तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामेईन को नवाजे। इस शेर के साथ इस्तकबाल है, अरे नात खाए रसूल आ जाओ, शायरे बाउसूल आ जाओ, ये जुल्फ हबीब की खुशबू बागे तैयबा का फूल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आने जाने का माहौल ना बनाए, आपके बीच माशाअल्लाह एक बड़े शायर है, आप उनको सुनिए बिल्कुल दिल जमाने के साथ साथ, इसलिए आने जाने का माहौल ना बनाए। आइए हजरत, जिस बैनर तले और जिस उनवान के तहत आज का ये खूबसूरत इजलास मुनक़िद हुआ है, उसी मुनासिबत से एक मतला चंद अशार कौमी यकजहती के नज़्म के कि मैं आप तमामी हजरात के रूबरू करने जा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, एक बार आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। ये लोग क्या मैदान में जाकर लड़ेंगे, अभी लगते हैं थक हो गए। बुलंद आवाज बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई आप लोग ने इरादा किया था कि मैं नज्म सुनूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए, इंशाल्लाह बेहतरीन नज्म आप तक पहुंचाएंगे। आइए जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आगे थोड़ा सा आगे बैठ, थोड़ा सिमट करके बैठिए, आप दुआ होगी, आ जाइए थोड़ा सा दुआ होगी माशाल्लाह, आ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हजरत, नाते पाक के एक मतला और चंद अशार आपके हवाले कर रहा हूँ, उसके बाद कौमी यकजहती के अनुमान से मैं कलाम आप तक पहुंचाऊंगा। बोलिएगा सुभान अल्लाह, जरूर बोलिएगा ताकि मेरी हिम्मत आप जाए। चमन में बुलबुल चहक रहा है फिजा में, काली लहक रही है। चमन में बुलबुल चहक मदीना नजरों के सामने हो
मदीना नजरों के सामने हो, मदीना नजरों के सामने हो, बदन से जिस वक्त रूह निकले, बदन से जिस वक्त रूह निकले, यही तमन्ना, यही खटक रही है वासना, यही तमन्ना दिलो जिगर में, न जाने कब से खटक रही है। और खूबसूरत बन मैं जनाब हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब कौसरी मध्य जिला हुलाली और मुफ्ती दिलशाद साहब के हवाले से ये बंद हाजिर कर रहा हूँ। जब फरमाए अगर ये मौका नसीब होता, अगर ये मौका नसीब होता तो उनके रोजे पे जाके कहता, अगर तुम्हारी सुन्नत, के तुम्हारी सुन्नत को जब से छोड़ा तमाम उम्मत भटक रही है, के तुम्हारी सुन्नत को जब से छोड़ा